प्रश्न ये है कि मेरे मन में कोई कार्य करने की इच्छा है और मुझे कोई व्यक्ति रोक रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे अंतराय कर्म का उदय आया कि मैं वो कार्य नहीं कर पाया। मेरे तो अंतराय कर्म का उदय आया कि मैं वो कार्य नहीं कर पा रहा हूं, पर वो जो व्यक्ति रोक रहा है, हम ऐसा कहते हैं कि वो अंतराय कर्म का बंधन बांध रहा है क्योंकि वो रोक रहा है। तो जब मेरे कर्म का उदय में आया, वो तो निमित्त बना, तो वो कर्म क्यों बांध रहा है? यही प्रश्न आपका, प्रश्न क्लियर हुआ ना? अब प्रश्न ये है कि वो जो अंतराय कर्म बांध रहा है, वो अंतराय कर्म क्यों बांध रहा है? वो इसलिए बांध रहा है क्योंकि उसके मन में इच्छा है, इंटेंशन है कि आप ये कार्य मत करो। उसका अपना इंटेंट भी तो साथ जुड़ा हुआ है ना, एक एक्शन और एक इंटेंशन, ठीक है? एक्शन निमित्त कोई ना कोई बनेगा, लेकिन उसका इंटेंशन इन्वॉल्व है कि मैं तुझे रोकूंगा, मैं तुझे करने नहीं दूंगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे खाने नहीं दूंगा, मैं तुझे दान करने नहीं दूंगा, मैं तुझे इस वक्त सोने नहीं दूंगा। तो अब उसका जो अपना इंटेंशन है ना, वो अपने इंटेंशन का कर्म बांधेगा, वो अपने इंटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्शन तो हो सकता है कि आपके अंदर भी वो ऐसा होना था कि वो निमित्त बना, ठीक है, इसलिए उसका एक्शन ऐसा बना, लेकिन उसका एक्शन मात्र एक्शन ही थोड़ी था, उसके एक्शन में उसका इंटेंशन भी तो इन्वॉल्व था। और उसका जो इंटेंशन है वो उसके लिए वापस एक नई रचना, कल्प रचना करेगा, एक नया भविष्य रचेगा, यानी नया कर्म बंधन होगा। अब सवाल यह है कि आपका तो निमित्त बनना था, वो आपके लिए वो निमित्त है, आपके लिए वो निमित्त ही है, और आपको नहीं देखना चाहिए कि वो कर्म बांध रहा है नहीं बांध रहा है, लेकिन उसके अपने जितने इंटेंशन है और जिस तरह के इंटेंशन है उस तरीके का वो अपने लिए कर्म बांध रहा है। प्रकृति में हम सब लोग इंटरकनेक्टेड है, हम सब लोग इंटरकनेक्टेड है, हम सब एक दूसरे के लिए निमित्त है, एक दूसरे के लिए हम सब निमित्त ही तो है, लेकिन हम किसी भी निमित्त से क्या लेते हैं वो हमारा उपादान है। किसी भी निमित्त से हमने क्या लिया वो हमारी योग्यता है, हमारा उपादान है, हमारा चुनाव है, हमारा विवेक है, ठीक है? अब आपके लिए उसने बाधा डाली, आपने बाधा पाई, लेकिन आपने उसको कहा चलो नियति कोई मंजूर है, मैं इसमें भी स्वीकार भाव में जीता हूं, तो आपने नया कोई कल्प नहीं बांधा। लेकिन आपको बाधा मिली और आपने कहा तू कौन होता है मुझे बाधा देने वाला, अपने आपको समझता क्या है, मैं जरा यह कर दूंगा वो कर दूंगा। अब आपने वापस एक नया कल्प कर डाला, नई रचना कर डाली। तो हम क्या कर सकते, जो भी निमित्त हमारे सामने आता है आप उस निमित्त को इस भांति ग्रहण करो कि जिससे आपके भविष्य में दुखों का सृजन ना हो। और वो व्यक्ति कर्म बांधेगा नहीं बांधेगा उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो उसका अपना विवेक, उसका इंटेंशन, वो आपको किस रूप में देखता है वो उस रूप में अपना भविष्य सृजित करता है, और आप उसको किस रूप में देखते हो उस रूप में अपना भविष्य सृजित करते हो, अपना फ्यूचर डिजाइन कर रहे हो। आपने उसको भले रूप में देखा आपका फ्यूचर भला बन गया, आपने उसको बुरे रूप में देखा आपका फ्यूचर उन बुराइयों से भर गया जो बुराइयां आपने उसमें देखी। ओके, वो तो निमित्त ही था आपके लिए, लेकिन वो अपने आप के लिए करता है, आपकी दृष्टि में वो निमित्त है, उसकी खुद की दृष्टि में हकीकत में वो करता है। और ये कहना चाहूंगी मैं कि ज्ञान का दुरुपयोग करने वालों की कमी नहीं है। जैसे कि आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने वाले साधकों को सबसे पहले एक सूत्र सिखाया जाता है, ज्ञानी पुरुषों ने सिखाया, वही हमने भी सीखा और हम भी लोगों को कहते हैं, और वो सूत्र यह है कि निमित्त सदा निर्दोष होता है। मतलब हमारे प्रति अगर कोई व्यक्ति, घटना, परिस्थिति निमित्त रूप में उपस्थित होती है, और निमित्त तो कोई ना कोई बनेगा ही ना, तो निमित्त वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारी जिंदगी के लिए, वो निर्दोष है। निर्दोष का मतलब है कि हम उसको फॉल्ट मत दो, उसको ब्लेम मत करो। आपके साथ अगर कुछ हुआ है तो उसके रीजन आप अपने आप में खोजो, ठीक है? निमित्त सदा निर्दोष होता है,
लेकिन अब इस वक्त इसका दुरुपयोग कोई कैसे करता है, देखना। आपके ऊपर कोई व्यक्ति ने कीचड़ उछाला और आपने मान लिया अपने हृदय में, चलो निमित्त है, निर्दोष है, पर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मैंने कीचड़ उछाला तो मेरी क्या गलती, मैं तो निमित्त हूं, मैं तो निर्दोष हूं। जो अंतर यात्रा पे जा रहा है, जो अंतर्दृष्टि साधक है, उसके लिए ये सूत्र था। और इस सूत्र का उपयोग जो बहिर्दृष्टि में रह रहा है उसने किस रूप में करना चालू कर दिया, मैं कीचड़ उछालू तो मेरी क्या गलती भैया, तू नहीं तो तेरा ही तो धर्म कहते हैं कि निमित्त सदा निर्दोष है, इसलिए मैं तो निमित्त हूं, इसलिए मैं कीचड़ उछाल रहा हूं तुझ पर। अब दुनिया में ऐसी कोई विधा है ही नहीं जिसका कि आप दुरुपयोग न कर सको। ऐसा कोई क्रिएशन आज दिन तक नहीं हुआ कि जिस क्रिएशन की वजह से आपको कोई डिजास्टर खड़ा ना कर सको। ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। अब ये तो एक आध्यात्मिक सूत्र था कि अंतर्दृष्टि में जाना है, अपने आत्म अवलोकन करना है, आत्म सुधार करना है, तो ध्यान दो कि निमित्त सदा निर्दोष होता है। लेकिन जो सामने वाला कीचड़ उछालता है और जब वो ये कहता है मैं तो इसलिए कीचड़ उछाल रहा हूं क्योंकि मैं तो निमित्त हूं, तू ही तो कहता है निमित्त सदा निर्दोष है, तो मुझे निर्दोष देखना, मैं तो निर्दोष ही हूं क्योंकि मैंने कीचड़ उछालू तो क्या हुआ, मैं तो निमित्त हूं, तो भैया वो इस ज्ञान की पंक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है। अब दुरुपयोग कर रहा है तो आपको क्या करना, आपको उसे दुआ करो उसको सद्बुद्धि मिले, उसे लड़ने मत जाओ। और ऐसा होता रहा है, गौशालक ने भी तो महावीर के द्वारा दी गई विद्या का दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करके डायरेक्ट महावीर पे ही तेजोलेशिया छोड़ने आ गया। और हर युग की कहानी है कि चेले गुरु को मारने दौड़ते। जीसस को सूली पे लटकाने में हाथ किसका था, जीसस के अपने ही 13 शिष्यों में से एक शिष्य का हाथ था, जिसने जीसस को कुछ पैसों के लोभ में आकर के बेच डाला, पता बता दिया और जीसस को सूली मिली। महावीर पे तेजोलेशिया महावीर के शिष्य ने दी। तो प्रकृति का बड़ा विचित्र नियम है, ज्ञान का दुरुपयोग वे ही लोग करते हैं जिनको आपने प्यार से ज्ञान दिया हो, और दुरुपयोग करके कीचड़ उछाल के कहते हम तो निमित्त है जी। ठीक बात है, इस दुनिया में दुरुपयोग करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन आप और हम किसी भी प्राप्त ज्ञान का दुरुपयोग करने से सावधान रहें, क्योंकि अगर हमने कदाचित मजाक में भी दुरुपयोग किया तो हम दुर्लभ बोधी बन जाएंगे। स्थानांक सूत्र स्पष्ट कहता है कि जो भी व्यक्ति अर्हत से आचार्य उपाध्याय साधु संग प्रवचन श्रुत स्थवीर जानकार किसी भी ज्ञानी पुरुष का ज्ञान की वाणी का अवर्णवाद करता है, यानी कि उनका दुरुपयोग करता है, उनकी निंदा करता है, उनको ब्लेम करता है, उनको आरोपित करता है, उनकी हर चीज में त्रुटियां निकाल करके कोशिश, क्योंकि त्रुटि देखने वाला तो कहीं से भी त्रुटि निकालेगा, करता है, वह दुर्लभ बोधी बन जाता है। भवो भवो तक उसको ज्ञान प्राप्त होना मुश्किल हो जाता है। आप और हम चेते, ठीक है। और बाकी वो आदमी कहे कि मैं तो निमित्त हूँ, आप क्या कर सकते हो भाई, शब्द है, शब्द को तो लोग कैसे भी घुमा फिरा सकते हैं, नहीं घुमा फिरा सकते। तो हकीकत आपके लिए वो निमित्त है, आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में हो, अंतर्दृष्टि संपन्न बनो, अपने भीतर झांकोगे तो लगेगा ओके प्रकृति को ये मंजूर है, मुझे स्वीकार है। ये सामने वाला कहता है कि मैं निमित्त हूँ, नहीं, उसका इंटेंशन इन्वॉल्व है इसीलिए वो करता है। अगर उसका इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं होता तो उसको पता भी नहीं चलता कि वो बाधा कैसे बना, वो इंटेंशनली बाधा बनता ही नहीं, वो इंटेंशनली बाधा बनता ही नहीं। जैसे देखो ये डोर आपने बनाए, भवन में दरवाजे बनाते हैं, ठीक, अभी दरवाजे बाधक है या साधक है, कोई कह रहा है बाधक है, कोई कह रहा है साधक है, वो भैया सही बोले कि जैसा देखना चाहो वैसे देखो, तुम उनको बाधक के रूप में देख सकते हो, ये दरवाजे हैं हमें रोकते हैं बाहर जाने से, और तुम्हें साधक के रूप में देख सकते हो कि दरवाजे हैं तभी तो आने जाने की सब सुविधा व्यवस्था बन पाती है, भवन भी सुरक्षित रह पाता है, ठीक है ना। तो निमित्त क्या है, निर्दोष है। तुम उसको बाधक रूप में देखो तो बाधक लगेगा, तुम उसको साधक रूप में देखो तो साधक लगेगा। जय हो।